टीकमगढ़ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुषमा यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने गुरुवार की शाम ताल दरवाजा स्थित जिला कांग्रेस के कार्यालय में शाम करीब 6 बजे एक प्रेस वार्ता रखी। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन साहू सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मिश्रा एवं टीकमगढ़ नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षद पप्पू मलिक सहित कांग्रेस के अनेक नेता कार्यकर्ता सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती सुषमा यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि मेरे पति एवं मेरे बेटे शाश्वत सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि ना उनके पास कोई हथियार था और ना ही किसी प्रकार की मारपीट की गई है, क्योंकि यह मामला पूरा प्रशासन के समक्ष हुआ था, जहां पूरा पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। उसके बाद भी झूठा मुकदमा दर्ज कर झूठी धाराएँ लगाई गई हैं, जो उचित नहीं है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। एमएलए रहे, पूर्व मंत्री रहे, कभी कोई प्रकरण दर्ज हुआ बताया नहीं। आज जनता भी बताया कि किसी को उन्होंने मारा हो या किसी को उन्होंने टॉर्चर किया हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि वहाँ जब ग्रुप कैप्चरिंग हो रही थी और वो सीता भाई उसको वोट नहीं डाले थे, जब वो मन को बाहर रही उसको वोट नहीं डाले थे, जब उन्हें कार्यकर्ता जाने नहीं दिया गया, पुलिस यहाँ घेर पूरी पुलिस खड़ी थी, हमारे कार्यकर्ता बेचारे परेशान हो गए। जनता ने सोच लिया कि मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा तो उसने कांग्रेस को वोट दिया, आज देखिए तस्वीर सामने, और अगर यही हरकत रही बीजेपी की तो जनता कहाँ, जनता जो चाहेगी वो करेगी। जनता अपना मतदान खुद करती है, स्वयं जानती है हमको किसको मतदान करें, किसी के दबाव में जनता नहीं आती, जनता किसी के दबाव में नहीं आती, जनता निष्पक्ष अपना वोट डालती है उसको जिसको मन होता। आज उसने दिखा दिया आपको कि कितने आए हैं सब प्रत्याशी जीत कर पार्षद नगर पालिका को सूखड़ा साफ कर देंगे, एक तरफा जीतिए कांग्रेस सारे प्रत्याशी। आज वर्तमान स्थिति में अभी जिला पंचायत की नवनियुक्त सदस्य चुन के आई आदरणीय सुषमा सिंह जी आप सबसे रूबरू हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा इस बात की बताई कि क्या वास्तव में ये सब ठीक है। इसके पूर्व में भी अभी थाने में जाके इस मामले को बताया था, सीताबाई कुशवाहा ने भी जो आवेदन राकेश गिरी विधायक और यशराज गोलू के खिलाफ आवेदन किया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस जब भी किसी भी प्रकार का संवैधानिक कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, 144 धारा अभी लागू है और जैसे ही ये खत्म होगी अभी आचार संहिता भी लागू है, एक एक कार्यकर्ता निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम समझते हैं कि बहुत बृहद आंदोलन जिसमें संपूर्ण प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी होंगे और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी यस, और ये लड़ाई तब तक होगी जब तक निष्पक्ष जांच ना हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।